गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हो आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं कामाख्या टेम्पल, और आज का जो वीडियो है, आप लोग बने रहना। आपको भी आज माँ कामाख्या का दर्शन होने वाला है। सो आपका भी विश आज पूरा होने वाला है, तो दिल से कुछ मांगना, जरूर पूरा होगा आज के वीडियो पर। तो बने रहे वीडियो पर। हम दोस्तों फिलहाल हम जा रहे हैं माँ कामाख्या। तो फिलहाल हम है मैंगोलैन, ये मैंगोलैन एरिया है, और यहाँ पे माँ कामाख्या टेम्पल का आप देख सकते हो। यहाँ पे जो प्राइस है वो उबेर गो में 344 है, और उबेर प्रीमियर में है 443। सी उबेर प्रीमियर में कितने लोग बैठ सकते हैं उसको पूछेंगे, उसके बाद जो है बुक करेंगे। तो हमारा कनेक्टिंग हो रहा है ड्राइवर के साथ। तो दोस्तों अभी हम सब लोग निकल गए हैं। हमने जो है एक कैब बुक किया है, और रैपिडो से मैंने एक बाइक बुक किया है। तो यहाँ पे जो है दीदी लोग का जो कैब है वो आ चुका है, और मेरा जो बाइक है वो आने वाला है। तो दोस्तों मेरा जो है रैपिडो बाइक आ चुका है, और अभी हम जा रहे हैं। दीदी लोग चले गए हैं आगे, उनके पीछे पीछे करते हैं, हम भी चले जाएंगे। तो ये है मेरा बाइक, तो चलो फिर लेट्स गो। जो है कामाख्या मंदिर के गेट में आ चुके हैं, और देखिए ट्रैफिक इतना ज़्यादा है। बहुत कम किलोमीटर है, पर हमको बहुत दूर, मतलब बहुत वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रैफिक के कारण बहुत लेट हो रहा है। हाँ कामाख्या पहुँच गए हम गेट पार हो गए, और अभी हम जाएँ यहाँ से दो ढाई किलोमीटर है ऊपर। Me, I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with. दोस्तों हम काफी ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ से जो है आपको मैं एक व्यू दिखाता हूँ, आप देखना। दोस्तों देखो ये तो छोटे छोटे गाड़ी जा रहे हैं, नीचे हम लोग गए थे ना ओवरब्रिज के नीचे, ये देखिए इतना छोटा छोटा है। तो काफ़ी ऊंचा जो है हम आ चुके हैं, तो चलो अभी और थोड़ा सा 100 मीटर जाना है, उसके बाद हो जाएगा हमारा राइड कंप्लीट। Living life every day, late at night, not okay, all I want and I pray. तो दोस्तों साइदुल इस्लाम है जो हमारे रैपिडो राइडर है, उनका नाम साइदुल इस्लाम है, और एक मुस्लिम भाई है, और मैं एक हिंदू भाई हूँ। मुस्लिम भाई मुझे छोड़ने के लिए आया कामाख्या, माँ कामाख्या। तो बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, मुझे भी खुद भी राइड लेके अच्छा लग रहा है। गाइस अभी दीदी लोग आने वाले हैं, उनके लिए थोड़ा सा वेट करता हूँ, और वाइफ जो है फ़ोन कर रही है, चलो मैं पिकअप कर लेता हूँ फ़ोन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर हम। तो यहाँ पर जो राइडर है हमारे, उनको विदाई दे देते हैं, और अभी जो है पूजा लोग भी इधर पर हैं, हम लोग आगे चलते हैं फिर। लोगों की भीड़ आप देख सकते हो यहाँ चाहे अंबुबसी मेला हो या ना हो, लोगों की भीड़ जो है कभी ख़त्म नहीं होता है। लोगों का आस्था देखिए आप। चलिए अब अंदर की ओर चलते हैं। Stop!
हरेश्वर हर माता अपना माटी अनुसंधान से गिरीन शर्मा पंडा गिरीन शर्मा पंडा अपने माटी अनुसंधान से बहुत रोते मुन्ना शर्मा पंडा तो लोगों का भीड़ देख सकते हो आप। तो बताओ पूजा कैसा लगा? हरेश्वर महाराज
और दोस्तों दिल से जो है आप यहाँ विश करो, और आपका जो विश है ना मैं प्रे करूँगा कि वो ज़रूर पूरा हो जाए। और यहाँ आने वाला हर भक्त जो है सबका मनोकामना पूरा ज़रूर होता है, आपका भी ज़रूर होगा। दोस्तों हमारा दर्शन हो गया है और अभी जो है हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। काफ़ी गर्मी भी है और पाही जो है वो भी रो रही है अभी, थोड़ा सा वो भी परेशान हो गया गर्म से एक्चुअली। तो चलिए फिर यहाँ से निकलते हैं। और ठीक यहीं पे हमने अपना जूता चप्पल रखा था, वो ले लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पहुँच कर जो है मैं आपको मेरे तरफ से सजेशन दे रहा हूँ कि आप अगर बहुत एकदम लास्ट जो है गेट तक, यहाँ पे मेन गेट ये है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे आने के बाद ही आप जो है अपना जो जूता चप्पल है वो आप रख सकते हो। कोई कोई क्या होता है कि जिन्हें नया नया आते हैं वो नीचे रखे आते हैं, तो कोई नहीं भी चाहते हैं कि नीचे तक ऊपर तक चप्पल नहीं लाने का, लेकिन मैक्सिमम लोग लेके आते हैं जिनको पता है वो आप ऊपर रख सकते हो चप्पल को, तो एकदम नीचे रखने का ज़रूरत नहीं है। आप नीचे ऊपर तक आके रखना तो सेफ रहेगा, ये तो बहुत दूर है, धूप ज़्यादा है ना, तो धूप ज़्यादा होने के कारण जो है आपका जो पाँव अगर नंगा पाँव होगा, तो खाली पाँव होगा तो आपका गर्म से थोड़ा सा सह नहीं पाओगे ना, तो इसीलिए तो ऊपर आके रखना अपना चप्पल जूता जो भी है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों हमने मंदिर का दर्शन कर लिया है, अभी सुबह नाश्ता नहीं करके आए थे, तो अभी हम लोग सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, पूजा वहाँ बैठी है, फटाफट जो है हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद चलेंगे यहाँ से। दोस्तों हमारा आलू पराठा आ चुका है, इधर दीदी का पूड़ी आ गया, उधर सोनू का आ गया, लेकिन वहाँ पर पूजा का नहीं आया अभी तक। और दोस्तों हम सबका पेट पूजा हो गया यहाँ पर, और अभी जो है हम लोग निकलेंगे सीधे दीदी के घर, और उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे कोला क्षेत्र।